हेलो टीचर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, घर पे हैं, स्वस्थ रहे, घर पर रहे, मैं भी घर पर हूँ। तो पूरे हमारे मॉड्यूल का, ट्रेनिंग मॉड्यूल का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं पेरेंट एप्लीकेशन के बारे में। कैसे कोई पेरेंट अपडेट हो सकता है कि उसका बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, फीस का रिलेटेड फीस की जानकारी ले सकता है, साथ ही साथ क्लासेस के क्या होमवर्क मिल रहे हैं। जैसे हम ऑफलाइन एजुकेशन में क्या करते थे, डायरी पे होमवर्क देते थे और पेरेंट साइन करता था और देखता था कि हाँ क्या होमवर्क मिला हुआ। बट सिंस दिस कोविड-19 और ये जो आपका कोरोना वायरस के कारण जो सिचुएशन बना है, जहाँ पर आज हम ऑनलाइन क्लासेस में चल रहे हैं, यहाँ पर हम डायरी और बच्चे हमसे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं फिजिकली। ठीक है, ऑल द थिंग इज दैट कि यूजिंग द टेक्नोलॉजी वी कैन कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स एज वेल, राइट। तो पेरेंट्स को कैसे हम कर सकते हैं, पेरेंट कैसे कन्विंस होगा, पेरेंट को कैसे पेरेंट मॉनिटर करेगा अपने बच्चे को, ये चीज आज हम सीखेंगे इस वीडियो में, राइट। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा कहाँ, प्ले स्टोर पर। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्ले स्टोर, ये मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया। ठीक है, प्ले स्टोर ओपन करते ही अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक एरिया है, दैट इज सर्च एरिया। हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे क्या, यहाँ पर टाइप करेंगे फटाफट हम रोबो पेरेंट ऐप। क्या टाइप करेंगे? रोबो पेरेंट ऐप। देखिए, रोबो पेरेंट ऐप ओपन हो गया। ठीक है, आप मैंने यहाँ क्लिक किया, आप जब रोबो पेरेंट ऐप ऐड करेंगे ना, तो आपको ये चीज मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसे ओपन करेंगे। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आपके पास ऑप्शन है इंस्टॉल का। आपका पेरेंट, आप पेरेंट को कम्युनिकेट करेंगे कि वो इसे इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने बाद इसको ओपन कर दें। ठीक है, तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, सी वेट, मैंने ओपन किया है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, आपका ये कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, लॉग आउट दिस वन। यहाँ पर हमें क्या करना है, यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करना है। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर आपने इंटर करना है। देखिए, मैं इंटर कर देता हूँ, ये पेस्ट कर दिया मैंने। मेरे पास एक पेरेंट का यूजर नेम पासवर्ड है, तो मैंने वो चीजें देख ली यहाँ पर, एंड जस्ट लॉग इन। ठीक है, नाउ सी, इस तरीके का एक डैशबोर्ड ओपन होकर यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो गया, जहां पर काफी काफी चीजें देखने को मिल रही हैं आपको बेटा, जैसे एग्जाम, इवेंट, होमवर्क, फीस, अटेंडेंस, लीव एप्लीकेशन, राइट। तो हम फटाफट बात करते हैं एक एक के बारे में। जो सबसे पहले ये सारी चीजें पेरेंट देख सकता है, बच्चे की अटेंडेंस, फीस का क्या है, एग्जाम्स क्या शेड्यूल्ड है, स्कूल में कोई इवेंट हुआ है तो, और अगर बच्चे ने लीव एप्लीकेशन डाली किसी दिन छुट्टी की, तो वो डिटेल और साथ में होमवर्क। देखिए, होमवर्क मैं आपको शो करता हूँ कैसे टीचर का होमवर्क पेरेंट चेक करेगा। नाउ सी, जब कोई टीचर होमवर्क असाइन करेगा तो कैसे वो होमवर्क दिया जाएगा। जैसे सब मैंने यहाँ पर, मैं बैक करता हूँ और मैं एक होमवर्क यहाँ पर देना चाहता हूँ, ऐड न्यू होमवर्क। ठीक है, टीचर देख ले कैसे करेंगे आप। हमने सेक्शन ले रखा है 10A, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, सपोज मैंने दिया केमिस्ट्री। ठीक है, और मैंने यहाँ डाल दिया सपोज लर्न रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ड्यू डेट है मेरे पास यहाँ पर, मैंने ड्यू डेट डाल दी यहाँ पर। ठीक है, ड्यू डेट चेंज कर दी मैंने, सपोज 29 तक का मैं टाइम देता हूँ बच्चे को। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ, राइट। जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पर, ऐड अटैचमेंट पर आते हैं। देखिए, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कुछ है तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, लाइक एन एग्जाम्पल, मैंने फोटो गैलरी यूज कर ली। ठीक है, और फोटो गैलरी से मैंने कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं। सपोज मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, सपोज मुझे ये ऐड करना है, मैंने ऐड कर दिया, दिस इज द ऐड होमवर्क। क्लियर, सक्सेस, बैक। अब आप ध्यान से देखें, आप
पेरेंट जब अपने एप्लीकेशन पर जाएगा, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही फ्लैश कर रहा है टू न्यू नोटिफिकेशन, राइट। आप यहाँ से भी देख सकते हैं टिक करके क्या हो गया। पहला नोटिफिकेशन है आपके पास, यहाँ पर देखिए, डियर स्टूडेंट योर असाइन होमवर्क फॉर 10th A केमिस्ट्री इज, ये नोटिफिकेशन है, ये फिजिक्स का था, ये फीस के हैं, इस तरीके के नोटिफिकेशन शो होंगे पेरेंट को। और मैं देखता हूँ यहाँ पर जब पेरेंट आपका होमवर्क सेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे बच्चे के होमवर्क आपको दिखेंगे। जैसे मैंने अभी केमिस्ट्री ऐड किया, यहाँ पे जैसे ही केमिस्ट्री क्लिक करेगा देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, पेरेंट इस तरह डाउनलोड करके ये देखिए होमवर्क दे सकता है, राइट। सो इन दिस वे बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये सारी जानकारी पेरेंट अपने मोबाइल पर देख सकता है कि कौन कौन से होमवर्क आए हैं बच्चे को। और इसके अलावा फीस का अगर है तो फीस का भी डिटेल यहाँ पर देख सकता है, नोटिफिकेशन यहाँ पर बच्चे को दिखेगा कि डेवलपमेंट चार्जेस क्या है, एक्टिविटी चार्जेस क्या है, मिसलेनियस क्या है, ट्यूशन फीस क्या है। तो ये टोटल फीस है, डेट वाइज देख लीजिए इस तरीके से ड्यूज फीस आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो एज अ पेरेंट फीस एग्जामिनेशन रिलेटेड, ठीक है, अटेंडेंस या लीव एप्लीकेशन, इस तरीके की सारी चीजें आपकी होती हैं, क्लियर है। तो ये चीजें यहाँ पर की जा सकती हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे पेरेंट अपना होमवर्क बच्चे का चेक कर सकता है, ठीक है। सेकेंडली मैं यहाँ पे आपको एक चीज और दिखा देता हूँ लीव एप्लीकेशन को के बारे में, कि अगर बच्चा कभी कोई लीव एप्लीकेशन डालता है, छुट्टी लेना चाहता है, तो वो पेरेंट को कैसे दिखेगा। अगर यहाँ पे देखें, मैं बैक चलता हूँ, लीव एप्लीकेशन, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन अभी नहीं है ना, यहाँ से पेरेंट लीव एप्लीकेशन क्लिक कर सकता है। जैसे सब्जेक्ट फॉर एप्लीकेशन आप कुछ डाल सकते हैं, जैसे पर्सनल डाल दीजिए, मान लीजिए पर्सनल, ठीक है, पर्सनल एप्लीकेशन बॉडी आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी शायद, पर्सनल, ठीक है। आप एप्लीकेशन बॉडी में कुछ भी डाल सकते हैं, ड्यू टू फंक्शन, आप कुछ भी एक लेटर यहाँ टाइप कर सकते हैं, सिंगल डेज, ठीक है, कैसे छुट्टी चाहते हैं आप, मल्टीपल या सिंगल, तो यहाँ पे मल्टीपल डाल देते हैं फिलहाल अभी हम 26 से 27, ठीक है। अगर कोई एप्लीकेशन आपने हैंड रिटन लिखी है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज सबमिट। इस तरीके से क्या हो गया, ये लीव एप्लीकेशन आपसे सबमिट हो गई, ठीक है। अब ये लीव रिक्वेस्ट कहाँ पर आ जाएगी, क्लास टीचर के पास, सब्जेक्ट टीचर के पास, ठीक है। जैसे मैं अपने एप्लीकेशन देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटीज हैं, तो लेट अस सी, यहाँ पर मैं अगर आता हूँ तो स्टूडेंट लीव एप्लीकेशन के में देखिए यहाँ पर आ गया एग्री कृष्ण प्रताप सिंह, राइट, 10th A में। अब यहाँ पर मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं इसको रिजेक्ट अप्रूव करूँ या रिजेक्ट करूँ। सपोज मैंने यहाँ से बच्चे की छुट्टी को अप्रूव कर दिया कि भाई पेरेंट ने दिया हो तो मैं अप्रूव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अप्रूव करूंगा, आप देखिए जैसे ही अप्रूव करेंगे पेरेंट को भी नोटिफिकेशन तुरंत शेयर हो जाएगा कि बच्चे की छुट्टी क्या हो गई है, अप्रूव हो गई। देखिए अभी पेंडिंग दिख रहा है ना, आप बैक आओ और बैक आके वापस से लीव पर आओ, क्योंकि अभी तो आपको देखो क्या दिखेगा, अप्रूव, कि बच्चे की छुट्टी क्या कर दी गई है, अप्रूव कर दी गई है, क्लियर है। और किसने अप्रूव करी है ये देखिए यहाँ पे डिटेल आपको दिखने लगा, क्लियर है। इन दिस वे पेरेंट बच्चे की छुट्टी भी रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, टीचर को। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होंगी आप सब ने। अब आपको बेहतर तरीके से पता हो गया है कि पेरेंट को कैसे कम्युनिकेट करके हमें इन फीचर्स के बारे में बताना है। पेरेंट जैसे ही देखेगा, आप बिलीव करिए पेरेंट यही चाहता है, पेरेंट चाहता है कि वो अपने बच्चों को ट्रैक कर सके, बच्चों के एग्जाम होमवर्क को देख सके, बच्चों के रिलेटेड जानकारियां ले सके कि बच्चा कर क्या रहा है, दे सके, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है, यहाँ से देख सकता है, ये लीव वाला देखिए हैज बीन अप्रूव्ड, ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक सारी चीजें अभी क्लियर होंगी कि पेरेंट एप्लीकेशन पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मेनली जो चीजें हैं एग्जाम, अटेंडेंस एंड यू नो होमवर्क, ये पेरेंट को सबसे ज्यादा मैंडेटरी होते हैं, पेरेंट को जानना चाहिए, राइट। आपको चीजें समझ में आई हो माय डियर पेरेंट्स, आप भी अगर आप देख रहे हो वीडियो, तो अगर चीजें समझ में आई हो
तो प्लीज और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है लेट्स एक्सप्लोर नॉलेज। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। साथ ही साथ किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे वापस से कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी क्वेरीज शॉर्ट आउट होंगे, रिजॉल्व होंगे। आई होप आप सब ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।